कि आप ये देखिए, कलर आने शुरू हो गए हैं। ग्लैंडस। हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है आदू आदि व्लॉग्स। मेरा नाम है तुषार। निष्ठा। तो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं, हमने शुरू कर रखा है अपने चैनल पर एक साइंस एक्सपेरिमेंट की सीरीज, जिसमें हम आपको सिखा रहे हैं कि अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो आप किस तरह से बहुत ही कम चीज़ों की हेल्प से उनको साइंस के एक्सपेरिमेंट सिखा सकते हैं। तो गाइस, जैसे कि हमने आपको लास्ट एक्सपेरिमेंट बताया था कि आज हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं पानी में पटाखे फोड़ने वाला। जी हाँ, आपने सही सुना, आज हम एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से पानी के अंदर फायरवर्क्स काम करता है। आपने आज तक आसमान में आतिशबाजी देखी होगी, लेकिन आज हम आपको पानी के अंदर आतिशबाजी दिखाएंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए और देखने के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल में। लेकिन गाइज, उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी अपने छोटे छोटे बच्चों को इन एक्टिविटीज़ को, एक्सपेरिमेंट्स को सिखा सकें। तो चलिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं। तो गाइस, अब हम करेंगे हमारा अंडर वाटर फायरवर्क्स। सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा होगा, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मैं इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स बताती हूँ। इसे बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं केवल वाटर, एक बड़ा सा जार ताकि आपको अच्छे से एक्सपेरिमेंट दिखे, ऑयल और कलर्स। ये बहुत ही बेसिक है, आप आराम से कर सकते हो। तो सबसे पहले हम जार लेंगे और हमारा एक हम कप ले लेंगे। कप के अंदर हम डालेंगे 10 ml ऑफ ऑयल। ये हमने लिया है 10 ml ऑयल, हम इसमें डालेंगे। और अब हम इसके अंदर डालेंगे कलर्स। आप जितने कलर्स डाल सकते हो आप उतने कलर्स डालो, ताकि आपको और भी अच्छे से वर्क करे। ये है हमारे फूड कलर। चलो ना, मैं मेरी हेल्प कराओ, इसमें कलर्स डालते हैं। इसमें हम डालेंगे 3 to 4 ड्रॉप्स। 1, 2, 3 and 4। ना मैं इसकी भी 4 ड्रॉप्स डालो और हम येलो की फिर 3 ड्रॉप्स डाल देंगे। चलो और डालो। 2, 3 and 4, बस हो गया। अब हम डालेंगे इसके अंदर येलो कलर। हम इसकी डालेंगे 1, 2, 3 and 4 ड्रॉप्स। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। नमा चलो इसको मिक्स करो। ये प्रॉपरली ना मिक्स नहीं होगा, पर ताकि ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में मिक्स हो जाए और आपका एक्सपेरिमेंट ज़्यादा अच्छे से दिखे। बस ना, मैं और नहीं। अब हम जो हमारा बड़ा जार था, अब हम इसके अंदर पूरा भर के वाटर फिल करेंगे। गाइज, आप देख पा रहे हैं कि ऑयल में कलर मिक्स नहीं हुआ है। ये इस वजह से मिक्स नहीं हुआ है, दोनों की डेंसिटी बिल्कुल अलग है। डालो ना मैं। अब देखिए, अब यहाँ पे होंगे क्रैकर्स। अब देखिए, आप ये देखिए, कलर आने शुरू हो गए हैं। जैसे दिवाली के पटाखों में अलग अलग कलर्स आसमान में स्प्रेड होते हैं, ऐसे ही इसमें अलग अलग कलर पानी के अंदर स्प्रेड हो रहे हैं, बिल्कुल किसी पटाखे की तरह। गाइस, क्या आप जानना चाहते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसके पीछे की साइंस बताती हूँ। क्या है इसमें कि दोनों की सरफेस, दोनों का जो डेंसिटी है वो बिल्कुल अलग है, वाटर की भी और ऑयल की भी। पर इसमें वाटर की और जो कलर है उनकी डेंसिटी सेम है, तो वो दोनों मिक्स हो जाते हैं। तो जब हमने इसमें कलर वाला ऑयल डाला, तो ऑयल के अंदर से ड्रॉपलेट्स निकलकर पानी के अंदर, मतलब अपनी सेम डेंसिटी के अंदर आ गई। तो आप देख सकते हैं कि कलर तो नीचे आ गया है, पर ऑयल अभी भी ऊपर ही है। तो ये थी इसके पीछे की साइंस। आशा करते हैं आपको हमारा एक्सपेरिमेंट अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिएगा हमारे साथ।
तो गाइज आपने देखा किस तरह से बच्चों ने छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया और जिसमें ज़्यादा कुछ रिक्वायरमेंट भी नहीं थी, केवल फूड कलर चाहिए, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल चाहिए। हम तो इसमें रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रहे हैं, आप चाहें तो कोई दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज इसके पीछे की साइंस भी इस बच्चे ने बताई, जिसमें आपको बताया गया कि हमने यहाँ पर तीन चीज़ें यूज़ की थी, ऑयल, वाटर एंड कलर्स। तो चूंकि ऑयल की डेंसिटी सबसे कम होती है, तो लेस डेंसिटी वाला जो ऑब्जेक्ट होता है अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल वो ऊपर फ्लोट करेगा। तो ऑयल सबसे कम डेंसिटी वाला इसमें मटेरियल है, तो ऑयल जो है वो ऊपर फ्लोट कर रहा है, और उसके बाद में वाटर और जो आपके कलर हैं उनकी डेंसिटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो कलर जो था वो वाटर के अंदर डिजोल्व होने लगा। तो जब हमने इसके अंदर ऑयल और कलर मिक्स सॉल्यूशन डाला, तब थोड़ा टाइम आपने देखा होगा, थोड़ा टाइम लगा था कलर को नीचे जाने में, क्योंकि वो लेस डेंसिटी से हाई डेंसिटी की तरफ मूव कर रहा था, और उसके बाद में नीचे आपने फायरवर्क्स देखा। तो ये थी इसके पीछे की साइंस। उम्मीद तो गाइज अब हमारी एक्सपेरिमेंट सीरीज का अगला एक्सपेरिमेंट है, जिसमें हम बलून को एक्सप्लोड करेंगे, उसको फुलाएंगे टेस्ट ट्यूब की हेल्प से। तो हाँ, ये भी एक अच्छा एक्सपेरिमेंट है, आप बच्चों को दिखा सकते हैं कि किस तरीके से बलून ऑटोमेटिक फूल जाएगा। आपने पार्टी वगैरह में बलून फुलाए होंगे मुँह से, और आप थके भी होंगे, लेकिन हम आपको बिना मुँह से गुब्बारा फुलाकर दिखाएंगे। तो काफ़ी सुनने में अच्छा लग रहा है ना एक्सपेरिमेंट, ये करने में बहुत इंटरेस्टिंग है। तो बने रहिएगा हमारे साथ हमारी वीडियोज़ पर, अगला एक्सपेरिमेंट इसी के ऊपर आने वाला है। तब तक के लिए हमारी वीडियोज़ देखते रहिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय बाय। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल आदू आदि ब्लॉग्स। तो गाइस आज हम नहीं बन सकते, मैं जब इनको गाइस आई होप गाइस तो गाइस हमारी एक्सपेरिमेंट सीरीज का अगला एक्सपेरिमेंट जो होगा, इसमें हम आपको सिखाएंगे किस तरीके से हम तो गाइस हमारी इसी सीरीज में